काजल भी उगड़े फ्रॉम एमएनएस न्यूज़ लाइव। एक देश एक चुनाव पर समिति बनेगी, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर सरकार समिति गठित करेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में हुआ। बैठक के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में 24 पार्टियों के प्रतिनिधि था। उन्होंने कहा कि लगभग सभी पार्टियों ने इस विषय पर अपना समर्थन दिया। बैठक में सिर्फ भाकपा और माकपा के क्रियापन को लेकर आकांक्षा जाहिर की है। हालांकि इन दोनों पार्टियों ने कभी विरोध नहीं किया। सरकार की तरफ से इस बैठक में 40 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर मांगा जवाब। उच्च न्यायालय ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग अलग चुनाव करने का निर्णय आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को आयोग को 24 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की आवश्यकताकालीन पीठ के मामले में मामले की सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय करते हुए कहा कि इस पर सुनवाई जरूरी है। पीठ ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे चुनावी याचिका के माध्यम से उठाया जा सके, इसलिए इस पर सुनवाई आवश्यक है। ओम बिरला बने लोकसभा अध्यक्ष। भाजपा सांसद और आगत उम्मीदवार ओम बिरला को बुधवार को सर्वसमिति से लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिया गया। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह सीता के साथ ही सदन चलाएंगे और कम संख्या वाले दलों को भी पर्याय समय दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष सदन को सुधार के रूप से चलाने के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सहयोग देने का आश्वासन दिया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।